हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ब्लॉग। गैस के साथ सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं। गैस मेरी बढ़िया हैं। आज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यारी कार लेके आऊँ भाई। ये अपनी ब्रेज़ा का अभी आप ZX आई ऑटोमेटिक मॉडल अभी आप देख रहे हो, हाइब्रिड के साथ ही आता भाई। अभी गैस में 2023 में चेंज हुआ, उसके बारे में अभी अपन कम्प्लीट डिटेल में बात करेंगे। भाई पहले वीडियो शूट कर लेते हैं, इससे पहले मैं इसकी पूरी गोकरण आपको कर रहता हूँ। जैसे दिखती है भाई गाड़ी, ये देख लीजिए फ्रंट से, इसका ZX आई मॉडल है, पेट्रोल में आता हूँ फॉर। एंड साइड से भी देख लीजिए कुछ तरीके की लगती है, काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर से भी देख लीजिए, एंड रियर से भी देख लीजिए, एंड अब चलते हैं फटाफट से आगे, इसके फीचर हाईलाइट करते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको क्रोम की डिज़ाइन यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल के अंदर सुजुकी का लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। सिल्वर फेस की स्कीड ब्लेड आपको इसमें देखने को मिल जाती है। इसमें LED DRL सबको इधर की तरफ देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने पर। इसमें आपको प्रोजेक्टर में हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, मैनुअल लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है। एंड कुछ तरीके लगता है इसका कम्प्लीट फ्रंट लुक। साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड से काफ़ी लंबी लगती है देखने में, काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन इसकी काफ़ी अच्छी लगती है। इस वॉल्यूम को आप एक मिनट में देख ही लेता हूँ गाइस। इस वॉल्यूम को आप इलेक्ट्रिक एयर से इलेक्ट्रिक फोल्ड भी कर सकते हो, LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही आता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें MRF के टायर आपको देखने को मिलते हैं अलॉय व्हील्स के साथ। ये ब्लैक ग्लोसी अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। 215 215 65 R 16 इंच के आपको ये देखने को मिलते हैं। आगे तेरे डिस्प्ले, पीछे आपको ड्रम मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती है सिल्वर फिनिश की। एंड यहाँ पे आप सामान भी इसमें जो है बांध के जा सकते हो। एंड रियर की बात करें तो रियर से उस तरीके लगती है। ब्रेजर यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको, लिखा हुआ सुजुकी की बेजिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर अपना वाइपर डिफोगर हाइमाउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा। ऊपर की तरफ अपना शार्पिन एंटीना एंड अपना सनरूफ आगे की तरफ, इस मॉडल में सनरूफ आती है। पीछे की तरफ चार पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट हाइब्रिड की बेजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितना बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आपको इधर पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, एंड होक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। शायद इसमें स्टेफनी व्हील नहीं आता गाइस। एक मिनट इसको बंद कर देता हूँ। एंड नीचे से भी देख लीजिए, 190 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है इसके अंदर, जो काफ़ी सही है। एंड फ्यूल टैंक आप यहाँ से देख सकते हो, गोल चौकोर आपको देखने को मिलता है ये। एंड गाइस अंदर जाने से पहले आपको एक बात करनी है, अभी मैं अजमेर के मारुति सुजुकी के एरिना के अंदर हूँ। अगर आपको मतलब शोरूम से कोई सी भी गाड़ी लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखे हैं, आप भैया से कांटेक्ट करके यहाँ पे मारुति की कोई सी भी कार, अल्टो वगैरह, ब्रेजा, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। एंड अभी मैं आपको रियर का दरवाज़ा दिखा देता हूँ। रियर का डोर कुछ इतना वाइड खुलता है, उतरना चढ़ना बहुत ईजी है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश की डिज़ाइन मिल जाएगी, यहाँ पर अपना कांच ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आपको फैब्रिक में आमरेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पर ब्लैक, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर की डिज़ाइन भी मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। एंड अभी अपन अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने लाइट अभी चालू करी, रियर से भी काफ़ी सही है भाई स्पेस, नी रूम वगैरह में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, काफ़ी परफेक्ट है भाई गाड़ी। सीट कंफर्ट तो मुझे ब्रेजा का बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका सीट कंफर्ट। फैब्रिक में आपको सीटें मिल जाती है ये 60-40 सीट, एंड आइसोफिक्स सीट आपको इसमें देखने को मिल जाती है, और 60-40 भी है भाई सीटें, पूरा फैब्रिक में आपको देखने को मिलेगा एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ, जो काफ़ी प्यारा लगता है। ब्राउन कलर की डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्यारी लगती है। एंड ये देख सकते हो यहाँ से कितनी, मतलब इसका थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई, वेन्यू और अपनी सोनेट से ज़्यादा मुझे इसका अच्छा लगा। थाई सपोर्ट इसका काफ़ी प्यारा है, पीछे 3 जने आराम से बैठ जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। एंड अभी इधर की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ आपको रियर एसी वेंट्स आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, काफ़ी सही है गाइस गाड़ी। पीछे एसी भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड इस साइड यहाँ पर आपको इसमें फोल्डेबल ग्रिप हैंडल एंड हुक मिल जाता है यहाँ पे,
एंड पीछे यहाँ पे आपको दो मैगजीम होल्डर पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड यहाँ पे आपको ये भी मिल जाता है भाई, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप सामान जैसे लेडीज़ वगैरह होती है ना या पर्स वगैरह टंगाती है, आप यहाँ पर्स भी अपना जो है ना टंगवा सकते हो, ये भी आपको मिल जाती है। मतलब कोई सा सामान आप यहाँ पे लटका सकते हो, थैली वगैरह जो भी आती है। एंड आगे से कुछ तरीके लगता है इसका प्यारा सा कंप्लीट फ्रंट, आगे से इंटीरियर का कुछ ऐसा लगता है देखने पर, काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। एंड ऊपर इसका सनरूफ भी देख लीजिए गाइस, एंड आगे से इसको काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका इंटीरियर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एंड अभी अपन आगे चलते हैं, पीछे से मैंने पूरा आपको बता दिया। आई का दरवाज़ा खुलता वाइट खुलता है, उतरना चढ़ना बहुत इजी है इसके अंदर, ये देख सकते हो। यहाँ पे ट्विटर आपको देखने को मिलेगा, दो ट्विटर आर की मैच के साउंड सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, चार स्पीकर दो ट्विटर के साथ, एक्सेलर फिन की डिज़ाइन मिल जाएगी, ओरियम से कंट्रोल, लॉक अनलॉक अपना ये पावर विंडोज के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे, वन टच अप एंड वन टच डाउन दोनों मिलते हैं आपको। एंड इस तरफ यहाँ पे आपको फैब्रिक में आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, इधर बोतल होल्डर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, स्पीकर की प्लेसमेंट, टू स्टेप मैनुअल सीट आप एडजस्ट कर सकते हो उसके अंदर। एंड यहीं से अपना फ्यूल टैंक खोल सकते हो, यहीं से बोनट भी ओपन कर सकते हो। एंड स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, एडजस्ट स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी मिल जाता है। एंड यहाँ से हेडलैम्प के जो लीवर है उसको ऊपर या नीचे कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सिलर फिन की डिज़ाइन मिल जाती है एसी पे। एंड अभी पर अंदर चलते हैं, अभी अभी ये एक मिनट गए थे उसकी पहले सीट सेट कर लूँ। हाँ तो भाई इसकी सीट है जो है ना पूरी सेट कर ली मैंने, काफ़ी सही है भाई गाड़ी अंदर से भी देखने पर। बस गई इसमें आर्मरेस्ट नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आर्मरेस्ट आप आफ्टर मार्केट लगवा भी सकते हो, इंस्टॉल हो जाता है वो, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से लग जाएगा आर्मरेस्ट यहाँ पे। बाकी गाड़ी को भाई थाई सपोर्ट वगैरह सर सीटों का बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा अपने सोनेट मुकाबले में। एंड स्टेयरिंग से पहले बात कर लेते हैं, तो स्टेयरिंग आपको फ्लैट बॉटम इसमें देखने को मिलता है, यहाँ पर एक आपको वी शेप में थोड़ी डिज़ाइन मिल जाएगी। एंड भले ये लेदर है अपनी, लेकिन इसकी ग्रिप जो है ना काफ़ी अच्छी है पकड़ने के अंदर। यहाँ पर अपना वॉइस कमांड के कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं, मोड वगैरह यहाँ पर भी नीचे की तरफ भी मिल जाते हैं, सुजुकी के बीच में बैजिंग मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, माइनस एंड प्लस यानी कि पैडल शिफ्टर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ये गाड़ी ऑटोमेटिक दिखा रहा हूँ मैं आपको। एंड यहाँ वाइपर से कंट्रोल आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, एंड लाइट से कंट्रोल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। एक मिनट गाइस मैं इसका इग्निशन ऑन कर लूँ। एंड गाइस जिस तरीके की लगती गाड़ी अंदर से देखने में काफ़ी प्यारी लगी मैं आपको बता दिया स्टेयरिंग की तो। और हाँ स्टेयरिंग बात करें तो यहाँ पर आपको ये टिल्ट मिल जाता है, एंड टेलीस्कोपिक भी मिल रहा है गाइस, कितनी अच्छी बात है यार, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही आपको इसमें देखने को मिल जाता है ब्रेजा के अंदर। एंड बोनट तो पूरा विजिबल होगा आपको आराम से, क्योंकि एसयूवी कार है भाई गाइस, मुझे मतलब ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं लगती गाइस, ये मुझे मिड साइज जैसी लगती है, मतलब इसका जो बॉक्सी लुक है ना काफ़ी बढ़िया लगता है देखने के अंदर, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो एनालॉमिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो यहाँ से मतलब इसको आप ना चला सकते हो, एमआईडी को कंट्रोल यहाँ से कर सकते हो, फ्यूल वगैरह आप देख सकते हो, ड्राइव इन्फॉर्मेशन या टाइम वगैरह देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये देख लीजिए। बीच में डिजिटल आपको देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम देखने को मिलता है आरपीएम मीटर, एंड राइट साइड में स्पीडोमीटर, नीचे की तरफ फ्यूल चेक कर सकते हो मतलब कितना आया इसके अंदर, एंड यहाँ से अपना टेम्परेचर भी देख सकते हो लेफ्ट साइड से ही। एंड कुछ तरीके लगता है काफ़ी प्यारा लगता है भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बात करते हैं इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, तो काफ़ी प्यारा इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, 8 इंचज़ का ये शायद मेरे ख्याल से, एंड काफ़ी प्यारा लगता है ये देखने के अंदर, ये देख लीजिए ग्लॉसी ब्लैक मिनिशी डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड ये एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट कर लेता है गाइस, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ ही आता है, ये देख सकते हो आप, फ़ोन उड़ाना काटना वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, डिस्प्ले वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। रियर कैमरे की क्वालिटी आपको चेक करवा देता हूँ, शायद गाइस अभी गाड़ी चालू है ना, एक मिनट गाइस दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए रियर्स कैमरे की क्वालिटी गाइडलाइंस के साथ ही आता है, ये काफ़ी सही है भाई, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है भाई इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम का। यहाँ पर बात करें तो हज़ार लाइट का स्विच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, दो एसी वेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी ब्राउन कलर की जो काफ़ी प्यारी लगती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो भी बीच में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर, यहाँ साइड साइड से जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने पर,
नीचे की तरफ यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यूएसबी का पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसके गेयरबॉक्स की, जो गेयरबॉक्स भी काफ़ी प्यारा आपको देखने को मिलता है। इसमें मोड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड्स एंड मैनुअल मोड में भी आप इसको चला सकते हो। एंड हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिस पर सिल्वर फिश की डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। दो कप होल्डर, यहाँ पे अपनी चाबी वगैरह भी आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड यहाँ पर भी आप चाबी रख सकते हो। इस तो अमरिस्ट आप आफ्टर मार्केट इसमें लगवा भी सकते हो, ये भी काफ़ी सही है। काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही है। डे नाइट वाला ईयर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस तरफ आपको एक कांच जरूर मिल जाएगा देखने को। एंड यहाँ पर अपना लाइट है इसमें हेलोजिन में देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे अपना सनग्लास होल्डर, एंड यहाँ पे सनरूफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एक मिनट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये देख लीजिए स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इसमें देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी सही है। एंड ये सब बंद हो जाती है, बस आपको मैन्युअली रैप हाथ से आगे पीछे करनी पड़ती है, बाकी सब कुछ सही है भाई। गाड़ी मुझे तो बहुत अच्छी लगी गाड़ी। एंड बोनट आप देखो कितनी आसानी से विजिबल हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा है, मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। एसयूवी में यही तो मज़ा आता है कि बोनट पूरा दिखता है, और ब्रेजा का ये प्लस पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें आपको बता दी सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई तो गाइस एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और गाइज वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको एक बात और कह दूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो दे रखे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप यहाँ पे सेल्समैन भैया से आप है ना कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे कोई सी भी आप कार परचेस कर सकते हो, सैलरी हो वगैरह कोई सी भी कार आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा डिस्काउंट वगैरह सब मिल जाएगा गाइज, मैंने आपको नंबर दे रखे हैं, आप जाके उस पर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा, एंड आप वहाँ से गाड़ी परचेस भी कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ बता दिया इसमें क्या क्या आता है, कुछ भी चीज़ छूट गई तो गाइस मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और गाइस मैं आपको इसकी चाबी दिखा दूँ, तो चाबी इसमें कुछ स्मार्ट की आपको दो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, लॉक अनलॉक खाली बस और कुछ नहीं। तो इस पूरे फीचर हाईलाइट कर दिए मैंने क्या क्या इसमें आता है, अगर कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई तो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा गाइस। और गाइस ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।